कन्नौज तेज रफ्तार रोडवेज बस ट्रैक्टर की आमने सामने भीषण भिड़ंत में सफर कर रहे 6 यात्री गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इस हादसे में चालक बुरी तरह से स्टीयरिंग में फंस गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से निकाला गया। सभी घायल यात्रियों को इलाज के लिए 100 अस्पताल में भर्ती कराया गया। चालक की गंभीर हालत को देखकर डॉक्टरों ने कन्नौज के तिरवा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। कन्नौज जनपद के छिवरा मुकोटवाली कस्बे के कांशीराम कॉलोनी के सामने हुए NH-91 सड़क पर रोडवेज और ट्रैक्टर की भीषण भिड़ंत में लोगों को डरा कर रख दिया है। देखते देखते चीख बुखार की आवाजें आने लगी। शिवराम और क्राइम 18 न्यूज के लिए आदित्य सिंह की रिपोर्ट। ठीक, आपका योगेंद्र, किस चीज़ से एक्सीडेंट हुआ? बस में बैठे थे, ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुआ। ट्रैक्टर से? लगभग कितने लोग बस में सवार थे? इसका अंदाजा नहीं है सर, क्योंकि कार पर सवार बहुत कम लोग थे। बीच में हम सो गए, उसके बाद कम ज़्यादा जितने बैठे थे 15-20 लोग एक्सीडेंट होने का क्या कारण रहा? अब इसके बारे में नहीं बता सकते भाई साहब, क्योंकि हम भी सोए हुए थे, उसके बाद हमको नहीं पता सोते में हुआ कैसे। ये हमने तो बस मतलब किसी में आदमी नहीं मिल के निकाला, सब लोगों ने, थाने वाले लोगों ने निकाला। प्रशासन नहीं पहुंचा था? नहीं, प्रशासन नहीं पहुंचा था। लगभग कितनी देर बाद पहुंचा प्रशासन? प्रशासन कम से कम एक्सीडेंट के बाद कम से कम आधे घंटे बाद। आधे घंटे नेकपुर डिस्ट्रिक्ट बोलन से। बोलन से गाड़ी सौरा गेट। ठीक, हम लोग तो फिर क्या नाम है? राजेश। साला भाग गया था ना, ये ड्राइवर है ये कंडक्टर कहाँ गया? कंडक्टर कहाँ इनका? वो तो फरार रहेगा। हाँ, नंबर है कंडक्टर का। ना तो नंबर ड्रा नाम बताओ। योगेंद्र। पिता क्या नाम? अयोध्या प्रसाद, उत्तर प्रदेश। अरे उत्तर प्रदेश कहाँ से? आजमगढ़। हाँ, आजमगढ़ पड़े भैया। सामान है इनका, सामान लड़की आज हम बाद में फोन करा था। हाँ, आराम। मेरे तुम्हारा क्या नाम भैया?